Hello beautiful people, welcome to our channel Apoorva and Abhya. Please subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest videos. दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे मिक्सी के अंदर आटा गूंथ सकते हैं यदि आपके पास टाइम कम है या फिर आपको आटा गूंथना नहीं आता, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से मिक्सी में आटे को नीड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो आटा लिया है और यहाँ पर मैं मेथी का आटा गूंदने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेथी को कट कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए लहसुन, बारीक कटे हुए अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ले ली हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगी आप मिक्सी में कैसे आटा गूंथ सकते हैं। दोस्तों ये है फूड प्रोसेसर जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पर इसका ये पार्ट लगा दिया है जहाँ पर हम ब्लेड्स को फिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर के साथ दो टाइप्स की ब्लेड मिलती है, एक ही शार्प वाली जिससे आप चॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर एक ही सॉफ्ट वाली जिससे आप किसी भी चीज़ को बाइंड कर सकते हैं या फिर नीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फिट कर ली है और उसके बाद अपने जार के अंदर मैंने आटा को डाल लिया है। आटे के बाद यहाँ पर मैं सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लूँगी जैसे कि मेथी, प्याज वगैरह सब कुछ। आप एक बार मिक्सी में आटा गूंदना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून अजवाइन ली है, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर और नमक ले लिया है स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है। अब जार को बंद करेंगे, फिट करेंगे और यहाँ पर मैं सबसे पहले सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मिक्सी चला दी और सभी इंग्रेडिएंट्स देखिए कितनी आसानी से मिक्स हो गए हैं। अब हम धीरे धीरे करके इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 100 ml पानी डाल लिया है और ये जो मेरा मेजरिंग ग्लास है मैं इसके अकॉर्डिंग ही पानी डाल रही हूँ। और फिर से प्रोसेसर को ऑन करेंगे और इसे बाइंड होने देंगे। आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो रहा है, ये धीरे धीरे बाइंड हो रहा है अच्छे से। और यहाँ पर मैंने खोल के देखा है तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी और ज़रूरत है और दोबारा से हम इसे हल्का सा पानी ऐड करके दोबारा से चलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ml पानी और लिया है और इसे दोबारा से चला दिया है। अब मैंने इसके अंदर 50 ml पानी और ऐड किया है। देखिए इस तरह से टोटल मुझे 250 ml पानी लगा है। और जब आपको इस तरह की आवाज़ आने लग जाए अपने प्रोसेसर में से तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपका आटा अच्छे से नीड हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आटे को प्लेट में निकाल लिया है और आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट आटा ये गूंदा है। तो देखिए देखा आपने किस प्रकार से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, लगभग 3 मिनट मुझे लगे इस आटे को नीड करने में और यहाँ पर परफेक्ट आटा गूंद गया है। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऐसी ही और चटपटी और ईजी रेसिपीज़ के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।